हेलो फ्रेंड, हाय, मैं सुनील खजूरिया आज अपने चैनल के माध्यम से आज आपको चार नंबर जगरी क्रेशर के बारे में बता रहा हूँ। जिन व्यक्तियों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, वीडियो पे नए हैं, उन लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यह मैं जो क्रेशर आपको दिखा रहा हूँ, शुगर कैन क्रेशर, ये चार नंबर शुगर कैन क्रेशर है और इसमें आप लोगों को पट्टा पुली की कोई आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि प्लेनेटिक गियर बॉक्स होता है। इसमें 15 एचपी की मोटर लगी हुई है और ओम कैलाश कंपनी का है और ये हमारे गोराघाट के पास लगा हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा यही है कि इसमें पट्टा पुली नहीं होता, जिससे भी लेबर को कोई खतरा नहीं होता। अगर ये मेंटेनेंस चल रहा है इस समय, देखिए प्लेनेटी गियर बॉक्स में सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ देखी जाती है कि ऑयल कितना है। और ये जब अपने स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आदमी लोगों को मेंटेनेंस जरूर कराना चाहिए। ऑयलिंग और ग्रीसिंग इसलिए कराना चाहिए क्योंकि इसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, 6-4 महीने बंद रहता है तो इस पर थोड़ी सी जंग आने के कारण ये एकदम स्पीडली चालू होता है। तो हमेशा एक ही काम करें कि हमेशा प्लांट को स्टार्ट करने से पहले ऑयलिंग और ग्रीसिंग और मोटर की सर्विसिंग हमेशा करा लें, जिससे क्या रहता है, हमारा प्लांट सही पूरी सीजन तक चलता रहता है और उसमें कोई भी परेशानी नहीं आती। तो ये वीडियो आपको कैसी लगती है, देखें इसको पूरी। और अगर किसी भी व्यक्ति को अगर मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो वह कॉन्टेक्ट कर सकते हैं खान साहब से, जो कि हर प्लांट के मेंटेनेंस करते हैं गोराघाट पर। शुगर कैन क्रेशर, बहुत सारे शुगर कैन क्रेशर इन्होंने लगाए हैं और अभी साहूजी का भी क्रेशर इन्होंने लगाया है खान साहब ने। और यह क्रेशर जो चार नंबर है बहुत अच्छा बना हुआ है और आप इसको देखें और देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि हाँ, क्योंकि चक्कर क्या है, रात में लेबर जो काम करती है उनको हमेशा पट्टे से थोड़ा सा डर लगता है या कोई भी व्यक्ति आने से खतरा रहता है, पर इसमें ऐसा कोई भी खतरा नहीं है। चार नंबर ये क्रेशर है, 15 एचपी की मोटर लगी है और इसमें एक प्लेनेटिक गियर बॉक्स लगा है जिससे आपको दिखाई दे रहा होगा। हमेशा याद रखें कि ऐसी सुरक्षा युक्त हमेशा शुगर कैन क्रेशर लगाएं, जिससे कि बहुत अच्छा होता है। और ये किस तरह का है कि इसमें आप लोगों को कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 35 से 40 टन कैपेसिटी का होता है और इसमें बकास के लिए आप देखो पीछे एलिवेटर लगा हुआ है और बहुत अच्छे से इन्होंने यह क्रेशर को बनाया हुआ है और क्रेशर लगाए भी है, अच्छी जगह पर लगा हुआ है और क्रेशर में मेंटेनेंस चल रहा है। तो हमेशा वीडियो को पूरी देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसी वीडियो आप लोगों को इसलिए लेके आता रहता हूँ जिससे आप लोगों का अगर नया बिजनेस का मन है तो इसको जरूर देखें। धन्यवाद।